हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज है हमारे पास वीवो का U20 फोन, इसमें एक घंटे के लिए पबजी गेम प्ले करूंगा और दोस्तों बताऊंगा क्या परफॉर्मेंस मिलता है। तो फ्रेंड्स फोन अभी है हमारा 100% चार्ज और एक घंटे के बाद कितना बैटरी ड्रेन होता है ये बताऊंगा और इसी के साथ साथ चेक करूंगा फोन हीट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अगर हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा वीवो का U20 फोन, ये है हमारा 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट और दोस्तों इस फोन में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। बट अभी हमारा फोन 100% चार्ज है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और फोन की हीट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 30 है ओके। और इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास है एक एक्स्ट्रा फोन जिसके अंदर मैं अभी स्टॉपवॉच ऑन कर दूंगा जिससे हमें पता चल जाएगा कितना देर में कितना बैटरी ड्रेन हो रहा है और क्या हीट टेम्परेचर रहता है फोन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी गेम को प्ले करते हैं। इस फोन में आपको मल्टी टर्बो बूस्टर देखने को मिल जाता है जिससे आपका गेम का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, शॉर्टकट देखने को मिल जाता है जिससे आप इनेबल कर देंगे तो आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप अपने गेम को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नॉच देखने को मिल जाता है, इसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है क्योंकि इस तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। आप अगर राइट हैंड साइड रखते हैं नॉच को तो आपका स्पीकर ग्रिल ढक जाएगा और आपका जो साउंड है फ़ोन का वो सुनाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स इस फोन में आपको 3D ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्मूथ में आपको अल्ट्रा तक दिया गया है और बैलेंस में भी अल्ट्रा दिया गया है और HD में आपको सिर्फ हाई मिल जाता है। और HDR दोस्तों अभी तक नहीं आया है, यहाँ पे कमिंग सून है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम TDM खेलेंगे 15 मिनट के लिए और जो ग्राफिक में खेलेंगे वो स्मूथ का अल्ट्रा में खेलेंगे ओके। तो यहाँ पे मैं स्मूथ का अल्ट्रा में कर दे रहा हूँ और अभी हम TDM खेलते हैं 15 मिनट के लिए। Team match, let's go. तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट पूरा हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे स्टॉप वॉच में देख पा रहे हैं, ये देखिए 15 मिनट 11 सेकेंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले हीट कितना हुआ, तो हल्का हीट महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर देख लेते हैं 26 है और फोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 39 आ चुका है ओके। तो पहले था 30 तो अभी देखिए डाउन में 35 है और ऊपर 39 के आसपास आ चुका है, तो 39 ही मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 15 मिनट गेम खेलने के बाद हमारा बैटरी कितना ड्रेन हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 96% चार्ज है, इसके मतलब फ्रेंड्स 15 मिनट में 4% बैटरी ड्रेन हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अभी हम खेलेंगे TDM फिर 15 मिनट के लिए और दोस्तों इस बार जो ग्राफिक रहेगा वो बैलेंस का अल्ट्रा में रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लॉबी कर लेते हैं फटाक से और दोस्तों यहाँ पे अपना ग्राफिक चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बैलेंस का अल्ट्रा में कर दिया हूँ और सेव भी कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम TDM को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गेम स्टार्ट हो रहा है, स्मूथ का मैं अल्ट्रा में खेला, कोई भी लैग इशू नहीं हुआ, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली से गेम रन हुआ। तो अब हम देखते हैं बैलेंस का अल्ट्रा में कैसा गेम चलता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेम पूरा मक्खन की तरह चल रहा है, कोई भी लैग इशू, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और किल वगैरह भी बहुत ही मस्त से हो जा रहा है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 15 मिनट पूरा हो चुका है टेडियम खेलते हुए, और टोटल जो टाइम हुआ है वो 30 मिनट हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे स्टॉप वॉच में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सबसे पहले हीट चेक कर लेते हैं, ये देखिए रूम टेम्परेचर 26 है, और फोन की हीट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 41, 43, ओके 42, 43 के आसपास है ऊपर, और डाउन में यहाँ पे देखिए 37 के आसपास है। ओके तो 42 हो चुका है हीट फ्रेंड्स। तो अभी हम बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स अभी हमारे फ़ोन में 91% बैटरी बचा हुआ है, इसके मतलब 30 मिनट में 9% बैटरी ड्रेन हुआ है। और दोस्तों गेम की परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी सही रहा, कोई भी लैग इशू नहीं हुआ, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ, गेम पूरा मक्खन की तरह चला है अभी तक। तो फ्रेंड्स अभी हम खेलेंगे एरेंगल का एशियन ऐप में, तो फ्रेंड्स अभी चेक कर लेंगे क्या बैटरी ड्रेन रहता है, फ़ोन हीट होता है या नहीं होता है। और दोस्तों जो ग्राफिक में खेलेंगे वो होगा HD का हाई ग्राफिक में। ओके तो HD का हाई ग्राफिक में कर दिया हूँ और ओके कर देता हूं। तो अभी हम गेम को प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स एरेंगल खेलते हुए हमें आधा घंटा पूरा हो चुका है, और जो टोटल टाइम हुआ है वो 1 आवर हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे रूम टेम्परेचर देख लेते हैं, 25 है। ओके और फोन की हीट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 38 39 के आसपास है। ओके तो फ्रेंड्स 39 है, और अभी बैटरी देख लेते हैं एक घंटा में कितना बैटरी ड्रेन हुआ है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 84% अभी भी बैटरी है, इसके मतलब 16% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 आवर में। ओके और दोस्तों यहाँ पे गेम एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं एक घंटा गेम प्ले किया, कोई भी हमें एक भी सिंगल लैग इशू देखने को नहीं मिला, काफ़ी मक्खन की तरह गेम चला, कोई भी लैग इशू नहीं हुआ है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप अगर चाहें तो पबजी के लिए ये फ़ोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपको अगर ये फोन परचेस करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।